अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कैसे आग लगी है? आग दुकान बंद थी, अज्ञात कारणों से किसी ने लगाई या इलेक्ट्रिक द्वारा या किस कारण से आग लगी इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो कैसे सूचना मिली तुम्हें? सूचना जो है कुछ लोगों ने, जब लोगों ने इसमें थोड़ा सा धुआं निकलते देखा तो लोगों ने घर में माता जी को फ़ोन किया। स्कूल के बैग, कांच का सामान, प्लास्टिक का सामान, नाना विभिन्न प्रकार का सामान जो है इसमें जो है। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? इसमें मान के चलिए आपकी इस खाली प्रीति श्रृंगार महल में कम से कम 18 से 20 लाख रुपए का जो है सामान जल के खाक हो गया है, और उसके साथ कम से कम 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर जो आज के ज़माने में इतना कठिन है वो भी पूरा जल के खाक हो गया। तो कोई इसमें जांच करने आया था शासन प्रशासन के लोग? कुछ पटवारी आए थे, तहसीलदार आए थे। आप मौजूद थी जब यहाँ आग लगी थी? हम अंदर चूड़ी दिखा रहे थे, जब मेरा बच्चा निकला तो उसने कहा कि नानी आग लगी है, तब मुझे पता चला तो फिर हम लोग भी बाहर निकल के भागे। किस तरह की मदद मिली है? प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई है। हमने इस बात की अपने निकटतम थाने में FIR सूचना कर दी है। अभी आज तक हमको किसी भी प्रकार की राहत राशि या कोई शासन प्रशासन से, यहाँ तक कि नगर पालिका द्वारा अभी तक वहाँ कचरा उठाने नहीं आए जो जला हुआ सामान दुकान के बाहर पड़ा हुआ है। कछियाना मोहल्ला में जो आग लग गई है उसके संबंध में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ, जांच हुई है आपकी तरफ से तो क्या कार्रवाई आगे हो रही है? दोनों दुकानों में जो अग्नि दुर्घटना हुई थी उसकी तत्काल जो है मौके पर जाकर आग बुझाने के लिए अग्निशमन बुलवाया गया था और आग बुझवाई गई थी। और जिस दिन वो आग लगी थी तो द्विवेदी जो है वो नहीं मिले थे, वो दिल्ली गए हुए थे और पंचनामा तैयार कर लिया था और उसका क्षति हुई है उसका आकलन कर लिया गया है और उनको आज बुलाया गया है। वो आ रहे हैं तो उनकी कथन भी दे देंगे और प्रपत्र जो भरवाना पड़ता है उनको वो भरवा शासन के नियमानुसार उनको आर्थिक सहायता प्रदाय की अग्रिम कार्यवाही किया जाए।